अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आपको वेलकम कहते हैं। हमारा अभी का टॉपिक है व्हाट इज टेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी फाइल के अंदर जो टेक्स को, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, इसकी टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे टेक्निक्स हैं व्यूअर्स, माउस के जरिए हम कर सकते हैं, कीबोर्ड के जरिए कर सकते हैं। हम आ गए जी यहाँ पर आने के बाद, सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ टॉप पर मैं एक लाइन खाली छोड़ूंगा, यहाँ पर टेक्निक लिखूँगा। सबसे पहले हम करते हैं ना कंट्रोल प्लस ए, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस ए करता हूँ तो इससे होगा ये कि हम जो है किसी भी कंट्रोल दबा के ए दबाता हूँ तो पूरा डॉक्यूमेंट, चाहे 10 पेजेस में हो, 20 पेजेस में हो, जितने पेजेस में हो, सारे का सारा डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। पहले तरीका तो ये कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल की मीनिंग्स में आता है, ठीक है जी। मैं कुछ ज़्यादा टेक्स्ट बना रहा हूँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, हम दूसरे हमारे पास आ गई जी सी टी आर एल प्लस एरो कीस, ठीक है। एक तो ये आया, दूसरा हमारे पास सी टी आर कंट्रोल प्लस एरो कीस। एरो कीस आपको पता है कि लेफ्ट राइट बॉटम टॉप यहाँ पर हमारे पास कीज आती हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में हम आपको दिखाएंगे। ये एरो कीज हमारे पास ये आ गई जी, ये अप है, डाउन है, लेफ्ट है, राइट है, ठीक है जी। यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगर मैं इसको खाली एरो की दबाता हूँ ये वाली, तो ये आगे टेक्स्ट को आगे लेके जाता है। ये देखिए सिर्फ कर्सर को मूव करता है, लेकिन अगर मैं यहाँ से शिफ्ट दबा के इसको आगे की तरफ लेके जाऊँगा, ये जैकिन जी आगे सेलेक्ट करेगा। देखो शिफ्ट दबा के यहाँ से क्लिक किया, शिफ्ट दबाता हूँ, दबाने के बाद जो है यहाँ से मैं इसको आगे की तरफ लेके जाता हूँ, ये देखिए ये सिलेक्ट करेगा जहाँ तक जा रहा हूँ। एक तो तरीका ये है वन बाय वन सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन अगर शिप के साथ में इसको क्या कहते हैं कंट्रोल शिप के साथ कंट्रोल प्रेस करूँगा, शिप के साथ कंट्रोल प्रेस करूँगा, ये देखें अब मैं राइट एरो की दबा रहा हूँ, इसको ये वाली की दबा रहा हूँ, पूरे पूरे वर्ड्स को सिलेक्ट करता है, पूरे पूरे वर्ड्स को एट ए टाइम। शिप कंट्रोल शिप और कंट्रोल, देखो जी शिप भी प्रेस किया हुआ, कंट्रोल भी, ये दो शिप दो कंट्रोल है तो दोनों इसलिए दिखा रहा है। मैंने शिप होल्ड रखा, कंट्रोल रखा है, इसके बाद मैं ये वाली की दबाता हूँ, ठीक है, ये पूरे वर्ड को लेके जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो सिलेक्शन में अगली चीज़ हमारे पास आ रही है, यहाँ लाइन क्लिक कर लिया करने के बाद शिप के साथ डाउन एरो की दबाता हूँ, ये देखिए पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट करता है। ये देखें ऊपर की तरफ करें डी सेलेक्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ करें सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगली चीज़ आ रही है, मैं कंट्रोल शिप के साथ डाउन एरो की दबाता हूँ तो पूरे पूरे पैराग्राफ करेगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ, देखो कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की, बाल में इसको क्लोज कर रहा हूँ, डाउन एरो की अप एरो की मैं आपको समझा चुका हूँ, यही चीज़ें समझानी थी। यहाँ से आया, मैंने कहा सिर्फ शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाता हूँ ना, ये देखो ये टेक्स्ट सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट हो रही है, ये देखिए। नहीं अगर इसको यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाता हूँ, ये देखें पूरा पूरा पैराग्राफ, जितना पैराग्राफ है, ये सिंगल लाइन वाली है तो लाइन होगा, ये पूरा पैराग्राफ होगा, इस तरह से लिखूंगा। दूसरी चीज़ अगर मैं कंट्रोल दबा के माउस से क्लिक करता हूँ, ये देखें जी बाहर इस मार्जिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया कंट्रोल दबा के यहाँ पर सेलेक्ट क्लिक करने से, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हम लेते हैं कंट्रोल ए, तो मैंने बताया कंट्रोल ए दबाने से सारे का सारा क्लिक हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से माउस के जरिए, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, जहाँ से क्लिक करना माउस के साथ मैंने इसको यूँ माउस को होल्ड रखे इस तरह भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, या माउस को लेके आया जी मैं यहाँ से क्लिक किया नीचे की तरफ आ जाऊँगा, ये पूरी की लाइन यहाँ से नीचे है, पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट होती जाएगी। इसका मतलब ये मैंने माउस को होल्ड रखा है, माउस को होल्ड रख के मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद जो है हमारे पास सिलेक्शन का आखिरी चीज़, तो मैंने आपको बताया कि इसको कंट्रोल ए से भी हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट करेंगे। व्यूअर्स, मैंने आपको क्लास जो सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शन टेक्निक्स बतानी थी कि इसके अंदर हमें सिलेक्शंस कैसे करनी है। व्यूअर्स, जब भी कोई काम करेंगे डेफिनेटली हम सिलेक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ करना है, इसको सिलेक्ट किया, पैराग्राफ है जी, टाइम बचाना, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाएं जी, ये आ गया, आने के बाद इसको मैंने बोल्ड कर दिया या इसको इटैलिक कर दिया, तो जो भी काम होगा वो इसे सिलेक्शन स्टेट के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो यहाँ से लिया जी कंट्रोल शिफ्ट के साथ कर लिया जी, पूरे का पूरा पैराग्राफ कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस किया तो पूरे का पूरा प्रोग्राम सिलेक्ट हो गया, इसको मैंने कलर चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास जो सिलेक्शन टेक्निक्स हैं, माउस के जरिए कैसे कर सकते हैं, कीबोर्ड के जरिए कैसे कर सकते हैं, और हमारे पास जो है माउस से करने के डिफरेंट टेक्निक्स और कीबोर्ड से करने के डिफरेंट टेक्निक्स,
और कीबोर्ड से शिप के साथ कंट्रोल के साथ हम कैसे इसको करते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है सिलेक्शन टेक्निक्स आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, और जाते जाते अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली क्लासें आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया जी।